गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, और ये मेरा इसका जो है आठवां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डायपोल में उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं। बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला, और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल डायपोल के बारे में और बताएंगे, तो मैं पीछे आते हैं, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिकल डायपोल का सीरीज, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का जो है टॉपिक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है। बच्चों उसको मैं साइड में लिखता हूं, फिर अपना कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल डायपोल। ठीक है, यहां पर Q हमारा जो है इसका चार्ज है और इसके बीच की डिस्टेंस हमारी 2a रखी गई थी। इसके बीच की डिस्टेंस 2a क्यों रखी गई थी, ये बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, वो उसका जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा कि इसको 2a क्यों कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, इसका एक था डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू थी वो थी क्यू इंटू 2a, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इस तरीके से बच्चों, तो देखिए हमारा डाइपोल मोमेंट जो आया था वो आया था 2qa, इसको आप यहां पर इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अब मुझे बताना है आज इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज है, और चार्ज की वजह से बच्चों क्या होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, तो दोनों की वजह से जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ही होगा। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल डायपोल के चारों तरफ हमारा किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ये अब हम पढ़ेंगे। उसमें जो आज का पॉइंट है हमारा वो है एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है और जो है दूसरे पॉइंट क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ठीक, तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिकल डायपोल के चारों तरफ हमारा जो है होता है चार्ज की वजह से होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये हमारा हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। अब बच्चों देखिए हमारा जो है इसके चारों तरफ डायपोल के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अब बच्चों ये इसको मिलाने वाली जो है हमारे पास लाइन है। ठीक है, और ये जो है इसकी डिस्टेंस हमारी 2a है, इस तरीके से हमको दे रखा है। अब बच्चों देखिए इसके चारों तरफ हमारा होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इस लाइन के अलोंग जो हमारा एक्सिस होता है और इसके ऊपर जितने जो हमारे पॉइंट होते हैं उसको बच्चों हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। तो सपोज करिए कि हम अगर यहां पर देखें कि हमारा जो है क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। बच्चों यहां पर भी होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां पर भी होता है, और इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन पे भी होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इसके एक्सियल जो है एक्सियल एक्सिस पे जो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो इक्विटोरियल एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, वहां पर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ये बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं
इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, ठीक है, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो बच्चों देखिए किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से निकाला जाएगा, इस चीज को आप देखिए। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है इस तरीके से, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा ये, और ये है इसको मिलाने वाली लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस है बच्चों 2a, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से इसको हम यहाँ पे ऐसे 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 मिलाते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, हम एक पॉइंट लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के जो है राइट साइड में लेते हैं, सपोज करिए ये हमारा जो है वो चार्ज है, ठीक है, ये हमारा जो है यहां से ये वाला जो है वो चार्ज है। अब बच्चों इसकी जो दूरी हम लेते हैं इस पॉइंट की दूरी बच्चों हम मेजर करते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से। सपोज करिए बच्चों ये हमारा हो गया डिस्टेंस, इसको हम लेते हैं एक्स, इस तरीके से हम लेते हैं एक्स। अब बच्चों इस पॉइंट की दूरी इसको सपोज कर लीजिए पॉइंट पी, इस पॉइंट से ये पॉइंट कर लीजिए ओ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया ओ सेंटर, और इसके बीच की डिस्टेंस हो गई बच्चों हमारी 2a, ठीक है, बीच की दूरी माइनस क्यू से प्लस क्यू की बीच की हो गई 2a। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारा जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है बच्चों वो हो गया हमारा एक्स सपोज कर लिया, और बच्चों यदि हम प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो वो बच्चों हो गया हमारा एक्स माइनस ए। देखिए क्या हुआ, एक्स माइनस ए इस तरीके से आ गया बच्चों, यहां से जो डिस्टेंस आया वो आया एक्स माइनस ए ऐसे। और बच्चों अगर हम यहां से इसका डिस्टेंस देखें ऐसे इस माइनस क्यू से पॉइंट पी तक, तो बच्चों हो गया ये एक्स पूरा ये और प्लस ए इधर, एक्स प्लस ए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो 2a डिस्टेंस लेते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बीच का, वो इसीलिए लेते हैं ताकि हम इसको दो पार्ट में आसानी से तोड़ सके। अगर हम a लेते हैं तो फिर हमें a by 2 करना पड़ता और हमारा कैलकुलेशन होता ज्यादा टिपिकल, इसी वजह से इसके जो है कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को हम 2a लेते हैं, ये रीजन है इसका। अब बच्चों देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा अवे, कुछ इस तरीके से, इसको सपोज कर लीजिए E1। और बच्चों ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, इसको सपोज कर लीजिए E2। तो बच्चों देखिए हमारा क्या होगा, हमारा E1 और E2 क्या होगा, हम उसकी वैल्यू यहां पर लिखते हैं बच्चों। तो देखिए हमारा जो E1 होगा वो होगा 1/4πε0 Q/r2, ये होता है इस तरीके से फार्मूला, ये होता है ना बच्चों E का फार्मूला, देखिए ये होता है। अब देखिए इस फार्मूले को एक बार हम इस चार्ज पे अप्लाई करते हैं, एक बार हम इस चार्ज पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो गया 1/4πε0 Q/r, कितना है बच्चों वो है हमारा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए E2 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो बच्चों वो आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q/r, कितना है वो है एक्स प्लस ए यहां से यहां तक, तो बच्चों आ गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमारा इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बच्चों जरा देखिए कि हमारा जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम है, लेकिन नीचे वाली डिस्टेंस जिसमें कम होगी वहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा। बच्चों x माइनस ए और x प्लस ए में x माइनस ए जो है वो हमारा छोटा है, तो यहां पर नीचे हमारा छोटा होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, इस तरीके से आप देख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ई नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा बच्चों हमारा E1 - E2, इस तरीके से होगा और उसका डायरेक्शन हमारा उस तरफ होगा। अब बच्चों हम इसको करते हैं कैलकुलेट और देखते हैं कि हमारा क्या आता है, ठीक है, देखते हैं कि हमारा क्या आता है बच्चों। तो देखिए क्या आया, ठीक है, तो E1 की वैल्यू आई बच्चों 1/4πε0 Q/x - a² - 1/4πε0
क्यू अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर लिया गया इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें से जो कॉमन है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, कॉमन आया हमारे 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, इतना चीज हमारा कॉमन आ रहा है। जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करने पे क्या आता है उसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, इसमें से हम लेते हैं ये हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एलसीएम लेके करेंगे इसको तो बच्चों आ जाएगा हमारा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम पूरा ब्रैकेट में कर देंगे बंद। ठीक है, इसको हम पूरा ब्रैकेट में कर देंगे बंद। बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, 4 एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। इस तरीके से ये हमारे पास जो है एक फिगर हमको फाइंड आउट हो गई। और ये हमारा हुआ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमारा इस तरीके से हुआ। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए और देखिए अब हमारा क्या आता है। ठीक है, अब हमारा क्या आता है बच्चों, मैं इसको बिठा रहा हूं, आप इसको यहां पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक है बच्चों, यहां से अब हमारा कंक्लूजन निकलने वाला है बहुत जल्दी। तो बच्चों हमारा जो ई नेट हुआ, ई नेट नोट करिए, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, वो हुआ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या ऐसे लिखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 क्यू ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, क्यू को इधर कर दिया और फिर हमने इसको लिख लिया। अब बच्चों इसको फिर से हम एक चीज करेंगे, हम करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो कुछ देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं 2x इंटू 2 क्यू ए, ये हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 को हमने तोड़ लिया तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया बच्चों इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद बच्चों इस टर्म को आप देखिए जरा। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए यूज क्या हो रहा है, एक चीज थी हमारी इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट और बच्चों उसका जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू थी 2qa। आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, और नहीं भी देखा होगा बच्चों तो ये आपके स्कूल या कोचिंग में कहीं पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां आपको पता होगा कि पी हमारा इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2qa। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये आ गया, तो इसकी जगह हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बच्चों ये हो गया हमारा ई नेट इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया ऑन द एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ये हमारा इसका आ गया बच्चों फाइनल फार्मूला। ठीक है, अब बच्चों इसको आप नोट कर दीजिए, इसका पूरा ये डेरिवेशन होता है, बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ भी जाता है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ भी जाता है। इस डेरिवेशन को आप करना सीख लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको है कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बच्चों ये सब मैं बिगाड़ रहा हूं और सिर्फ इस फार्मूले को रखूंगा और फिर इस फार्मूले की करेंगे एनालिसिस और देखिए हमारा यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, देखिए हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, एक ही बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, उसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन बच्चों हमारा IIT में भी पूछा जा चुका है, मेडिकल के अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है और
नीचे में भी कई बार पूछा जा चुका है, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे मेरा थ्रस्ट रहेगा और आगे भी पूछा जाएगा, ये भी कंफर्म है। किस रूप में पूछा जाएगा ये मुझे नहीं पता। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला हमारा जो है वो निकला एक्सियल पॉइंट पे, जो निकला वो देखिए आया ई नेट, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2px / x² - a²2। ये हमारे पास फार्मूला आया। अब बच्चों इसमें हम जो है करेंगे एनालिसिस। सपोज ये करिए कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। कैसे? सपोज करिए x हमारा है सेंटीमीटर में और a है हमारा एंगस्ट्रॉम में। तो बच्चों देखिए कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, ठीक है। ये हो गया 10^-2 और ये हो गया बच्चों 10^2, ठीक है। इस रेंज में पहुंच गया, ठीक है। तो कितना डिफरेंस, सॉरी 10^-10 और 10^2, कितना डिफरेंस है? 10^12 का डिफरेंस है बच्चों। इस टाइप से जब डिफरेंस है, और मान लीजिए मिलीमीटर में भी हो तो भी डिफरेंस है, और मान लीजिए 10^-6 में भी हो तो भी डिफरेंस है। यानी कि अधिकतर केसेस में क्या होता है कि एक्स हमारा जो है ए से बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों हम इस ए को जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो जब इसको इग्नोर कर सकते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा ई नेट जो है वो आ जाएगा, ई नेट हो जाएगा, वो आ जाएगा 1/4πε0 और बच्चों यहां पे आ गया 2p, ठीक है, 2px / x^4 ये आ जाएगा। इस तरीके से देखिए a हो गया 0, a को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो x^4 आ गया। बच्चों इससे काटेंगे तो ये आ गया हमारा x³, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा है वो बच्चों आ रहा है ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2p, ठीक है, / x³। अब यहीं रुक जाते हैं बच्चों, और इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और हर बार बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल, उसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, नोट करिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ही हमें अंत तक इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। फील्ड जब से स्टार्ट हुआ फील्ड ही फील्ड पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या, मैं लिख देता हूं आपको पता लग जाएगा। ये है बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ये है, ठीक है, एट एन एक्सियल पॉइंट जो है ये हमारा है, क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। और बच्चों देखिए यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अंतर है ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि सुनने में इलेक्ट्रिकल फील्ड एक जैसा लगता है, लेकिन इसी पे क्वेश्चन आता है और लगभग हर साल आता है और हर बार बच्चे गलत करते हैं, फिर कहते हैं अरे आपका तो था, क्या बताएं, वहां पे हम भूल गए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए हम वहां पे गलती होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप मेरे सामने नहीं होने वरना मैं बोर्ड पे लिखवाता कि क्या होता है, और सब लोग गलती करते हैं। तो बच्चों वो होता है हमारा E = 1/4πε0 q/r², ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ एक्स क्यूब है तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं, सपोज करिए x हमारा डिस्टेंस है पॉइंट चार से, तो हमारा x² आ गया, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर जो चीज आ रही है उसको देखिए, वहां पर जो चीज है उसको देखिए, और यहीं से बनता है क्वेश्चन। ये डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है बच्चों, और ये है बच्चों ई नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³, ठीक है। ये ई नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³,
और बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो ई नेट आ रहा है, ई नेट यहाँ भी लिख दीजिए ऐसे, ई नेट जो आ रहा है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जो है एनालाइज करिए, और यही एकमात्र क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और इसी में होती है गलती। ठीक है बच्चों, ये देखिए इन दोनों को आप यहां साइड में लिख लीजिए, ये सब मैं बिगाड़ रहा हूं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये हमारा यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज। और बच्चों यह है डाइपोल के कारण, तो यह हो गया हमारा ई नेट। ठीक है, यहां पे आ गया 1/x³, और ये आया हमारा डाइपोल के कारण। ठीक है बच्चों, यहीं पे बना क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। कई तरीके से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कुछ लोग सही कर देते हैं, अधिकतर लोग गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन क्या होता है एट ए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ठीक है प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए 1/x, ठीक है, x से लिखते हैं, r भी दिया हो तो r लिख देंगे, x दिया हो तो x लिख देंगे, 1/x, b 1/x² d 1/x³ और a b c होगा, ये c और d हो गया बच्चों हमारा 1/x³। ठीक है बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट पे आता है, हर साल आता है, नीट में भी आ चुका है, यानी मेडिकल के एग्जाम में भी आ चुका है, डिफरेंट आईटी में भी आ चुका है, बोर्ड में भी आता है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे जो हमारा सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। तो अधिकतर बच्चे जो सवाल का आंसर देके आते हैं वो 1/x² देके आते हैं, क्योंकि उनको अधिकतर पॉइंट चार्ज का फार्मूला याद रहता है। ठीक है, जबकि होता यह है 1/x³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये बार बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो 1/x² के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बच्चों जो डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो 1/x³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बच्चों इसका आंसर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है, 1/x³, ना कि 1/x² और जल्दीबाजी में या हल्के तरीके से पढ़ने के कारण बच्चे इसको बार बार गलत करते हैं, बार बार इसको गलत करते हैं, और जब भी मैं पूछता हूं तो पहली बार में कोई बच्चा जो है सही आंसर नहीं बताता है, उससे एक बार गलती जरूर होती है, फिर बताने के बाद वो इसको करने लगता है सही तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों वो क्वेश्चन जिसको आपको जो है ध्यान रखना है, ये फिर पूछा जाएगा बोर्ड में, तो 100% आएगा। ठीक है, बोर्ड में 100% आएगा, और इस पे कुछ जो है वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया, या एंगस्ट्रॉम में दे दिया, या पिकोमीटर में दे दिया, या माइक्रोन में दे दिया, तो हमारा जो हिसाब से कैलकुलेशन निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा डेरिवेशन था इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, इसका पूरा डेरिवेशन था, और इससे बनने वाला एक फेमस क्वेश्चन था। बाकी मान लीजिए अगर आपको Q1 Q2 की वैल्यू दे दे कुछ माइक्रो कूलाम में या कूलाम में और दे दे, तो आप उसको निकाल लोगे, डायरेक्शन भी निकाल लोगे, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो बच्चों यही ये पूरा इसका कंसेप्ट था, और यही इसका सवाल है। कैलकुलेशन वाले सवाल आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा बचा वो बचा इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये दोनों कंसेप्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने जो सिखाया मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।